लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह शुरू हुआ। बता दें कि कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बता दें कि इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में कुलपति अमरपाल सिंह ने कहा कि 250 से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर अब तक यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। वहीं लीगल एजुकेशन मूल्यवान विद्या है। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त विधि कानून का शासन है और न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है। आगे उन्होंने कहा कि न्याय समय पर हो और संबद्ध तरीके से हो और समयबद्ध तरीके से हो। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्यायसंगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इस अवसर पर जिन विद्यार्थियों को आज उनकी डिग्रियां अवार्ड की गई हैं और विगत 8 वर्ष के उपरांत दीक्षांत समारोह यहां पर हो रहा है, मैं इन सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन इन सभी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रख करके आज यहां पर तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है।